ओम शांति दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी के बारे में बताऊंगा और ये हमारे लिए एक पावरफुल मैसेज, लाइफ मैसेज कन्वे करती है। दोस्तों एक बहुत वंडरफुल स्टडी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर हुई थी, जिसके प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर थे डॉक्टर रॉबर्ट वॉल्डिंगर। उन्होंने 75 साल तक करीब 600-650 बच्चों को फॉलो किया। कुछ गरीब थे, कुछ अमीर थे, ये बॉस्टन के अंदर उन्होंने लिए। और इस स्टडी को द हैप्पीनेस स्टडी, ग्रांट एंड ब्लूएक स्टडी या सेकेंड जनरेशन स्टडी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने इन बच्चों के हर पैरामीटर को, जीवन के हर पहलू को अलग अलग लेवल पर मेजर किया और केवल इनका एक एम ये था कि जो लोग सक्सेसफुल और हैप्पी रहते हैं और जो लोग अनसक्सेसफुल होते हैं उनके जीवन के अंदर क्या डिफरेंसेस थे। जब इन्होंने लोगों का सक्सेस, लोगों की पोजीशन, लोगों की पावर, उनका जिस लेवल पे उन्होंने पढ़ाई की थी, उनका एजुकेशन सिस्टम, उनके परिवार, सब पर्सनल और प्रोफेशनल पैरामीटर्स को मेजर किया, तो उन्होंने देखा कि सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर जो लाइफ में सक्सेसफुल लाइफ और खुशनुमा लाइफ को डिटरमिन करता है, वो दोस्तों ना हमारा पैसा था, ना हमारी पोजीशन थी, ना हमारा पावर था, ना हमारा रहन सहन था, ना हमारा सामान था। वो केवल एक था, वो था हमारे अच्छे रिलेशंस, हमारे गुड रिलेशंस। और उन्होंने कंक्लूड किया कि जिन लोगों के जीवन के अंदर रिलेशंस और संबंध बहुत सुंदर और पावरफुल होते हैं, उन लोगों का जीवन नेचुरली सक्सेसफुल और नेचुरली खुशनुमा होता है। मेरा आप सब लोगों से प्रश्न है कि केवल इस समय एक सेकंड का पॉज लीजिए और पूछिए कि क्या आज जीवन के अंदर वो खुशी और वो सक्सेस, वो आनंद का अनुभव मैं कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ। दोस्तों कहीं ना कहीं ये स्टडी हमारे जीवन को, हमारे लाइफ को एक नया आयाम देती है, हमारे जीवन के अंदर एक नया दृष्टिकोण, एक नया पर्सपेक्टिव हमारे सामने लाती है। आज ये एक सिंगल मैसेज देती है कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू स्लो डाउन इन लाइफ। क्यों जरूरी है कि इस भागती दौड़ती जिंदगी में कहीं ना कहीं हम सुकून, कहीं ना कहीं हम आराम जरूर दोस्तों लेकर आए। दोस्तों जब भी हम अपनी लाइफ में स्लो जाते हैं, जब भी हम कहीं जा रहे हो तो क्या होगा, अगर गाड़ी से जा रहे हो तो हमें अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी, लेकिन अगर हमारी स्पीड तेज है तो हम किसी भी चीज को अप्रिशिएट नहीं कर पाते। दोस्तों चाहे वो गाड़ी की स्पीड हो, चाहे हमारे मन की गाड़ी की स्पीड हो, विचारों की स्पीड हो, अगर विचार बहुत तेज चलते हैं तो वो अपनी क्लैरिटी को भी खो देते हैं, अपने पर्सपेक्टिव को भी खो देते हैं और उनकी जो एक अंदर पावर होती है उसको भी वो खो देते हैं। इसलिए लाइफ में थोड़ा धीमे चलना, लाइफ में थोड़ा आराम से और सुकून से चलना दोस्तों बहुत बहुत आवश्यक। आज यही सिंगल मैसेज दोस्तों हमको लेकर जाना है। आज मैं आपको केवल 5 संदेश दोस्तों छोटे छोटे दूंगा और इनको केवल 1 हफ्ते के लिए आप सबको यूज करना, और प्रॉमिस करिएगा आप मुझे यूज करेंगे। जैसे ही आप 1 हफ्ते के लिए इसको यूज करेंगे, आप देखेंगे एक ही दिन में मात्र आपकी खुशी का इंडेक्स, आपका सेटिस्फैक्शन का इंडेक्स और जो सक्सेस के पीछे आप भाग रहे थे वो नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट होती हुई आती चली जाएगी दोस्तों, ये सब बढ़ता चला जाएगा। आज पहली चीज, पहला मैसेज जो हमको देखना है दोस्तों, Enjoy the present moment। हमारी जो लाइफ है वो हमारे भूतकाल में, भविष्य में दोस्तों नहीं बसती है। अक्सर हम लोग भूत में चिंता करते रहते हैं, भविष्य की चिंता करते रहते हैं, भूत हमें मन को खाता रहता है, पास हमारे मन को खाता रहता है। दोस्तों नहीं, लाइफ इज इन प्रेजेंट। ये बात बिल्कुल ठीक है कि पुराने विचार हमारे मन के ऊपर कहीं ना कहीं असर डालते हैं और भविष्य की कल्पना जो है हमें चिंतित भी करती है, लेकिन दोस्तों चिंता करने से सिचुएशंस बढ़ती और अच्छी नहीं होती हैं। इसलिए इम्पॉर्टेंट है अपने प्रेजेंट मोमेंट को बहुत सुंदर बनाएं, उसको परफेक्ट बनाएं, उसको बहुत खुशियों और आनंद से दोस्तों भरे, ये बहुत जरूरी। और ये तभी हो सकता है जब हम अपनी गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं, कुछ ना कुछ समय अपने लिए, कुछ ना कुछ समय अपने परिवारों के लिए निकालते हैं। और दोस्तों दूसरी बात जो अगर हम देखें कि हमारी लाइफ में ये खुशी क्यों चली जाती है, कि अक्सर हम लोग अपनी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट चाहते हैं। देयर इज नो परफेक्ट लाइफ दोस्तों। मोमेंट्स परफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन मोमेंट्स जब हमारे परफेक्ट होंगे तो लाइफ हमारी नेचुरली एक सुंदर और खुशनुमा बन जाती है। इसलिए नेवर चेज परफेक्शन। परफेक्शन कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में हार्मफुल हो जाता है, वो हमारी खुशी के लिए एक बैरियर का एक्ट करता है। इसलिए एक्सेलेंस को चेज करिए, छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए, छोटी छोटी बातों पर खुशियों को एंजॉय करिए, उसको क्रिएट करिए। अनरियलिस्टिक
ऐसे टारगेट्स बनाना, ऐसी एक्सपेक्टेशंस अपने आप से रखना जो पूरी करना बहुत मुश्किल है या कहीं ना कहीं बहुत चैलेंजिंग है, वो हमारे प्रेजेंट मोमेंट को दोस्तों डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए यदि सपोज आपका गोल है कि मुझे वही वेट लॉस करना है, या मुझे इस टारगेट या इतना मनी हमें कमाना है, या मुझे ये अचीव करना है पढ़ाई में, तो दोस्तों रोज छोटे छोटे गोल्स को बनाकर उसे अचीव करिए। एक्चुअली Your goal is naturally achieved जब आप एक single और small step लेते हैं। इसलिए दोस्तों perfection is a barrier of happiness। अपनी life में excellence को दोस्तों target करें। दोस्तों जब आप इस यात्रा पर जाते हैं, slow down करते हैं, तो self compassion और care की बात करना बहुत आवश्यक है। दुनिया के लिए हम कहते हैं kind रहिए, दुनिया के लिए हम कहते हैं कि विचारों में understanding लाइए, लेकिन क्या स्वयं के लिए अंडरस्टैंडिंग, क्या स्वयं के लिए काइंडनेस हम लोग इनकल्केट करते हैं? पूछिए अपने आप से दोस्तों। सेल्फ केयर और सेल्फ कंपैशन बहुत जरूरी है। अगर हम ये काइंडनेस, हम ये अंडरस्टैंडिंग दूसरों को देना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है पहले हम स्वयं के लिए भी इसको दोस्तों क्रिएट करें। यू कैनॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप। अगर हमारा स्वयं मन ही इन चीजों से खाली होगा, तो दूसरों को दोस्तों हम ये कैसे दे पाएंगे? इसलिए कुछ समय निकालकर अपने आप को भी पैम्पर करिए, अपने विचारों का भी ख्याल करिए, अपने आप को भी सुकून और शांति दीजिए, अपने आप को भी नर्चर करिए। जब हमारा मन पॉजिटिव शक्तियों और एनर्जी से भरपूर होता है दोस्तों, तो ये हम दूसरों को सहज रूप से दे सकते हैं। दोस्तों चौथी बात जो आज मैं आपको बताना चाहूंगा वो है पावर ऑफ सिंप्लिसिटी। जब हम स्लो डाउन करते हैं, तो हमें पता लगता है हमारे जीवन का जो एसेंस है, हमारे जीवन की जो खुशियां हैं, वो बहुत सारे सामान में दोस्तों नहीं बसती हैं। समान हमें कुछ पल के लिए ही खुशी दे सकता है दोस्तों, लेकिन खुशी, असली खुशी हमारी सिंप्लिसिटी में है। हमारे विचारों की सिंप्लिसिटी, हमारी सोच की सिंप्लिसिटी, हमारे रहन सहन की सिंप्लिसिटी। दोस्तों अगर आज हम अपनी सोच को सिंपल बनाते हैं, अपने रहन सहन के अंदर जरूरत से ज्यादा सामान ना इकट्ठा करके जितनी जरूरत है उतना रखते हैं दोस्तों, ये सिंपल लाइफ नेचुरली एक हैप्पी लाइफ में परिवर्तित हो जाती है। वरना इधर सामान, उधर ये, इधर ये, इन चीजों को बटोरते बटोरते कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में सुकून ही हमारा दोस्तों चला जाता है। और दोस्तों पांचवी बात मैं जो आज आपको जरूर बताना चाहूंगा वो है अपने रिलेशंस को नर्चर करना, अपने संबंधों को नर्चर करना। दोस्तों ये सब बातों को जब हम फॉलो नेचुरली करते हैं, अपने रिलेशंस के अंदर रेस्पेक्ट को लाना, आज एक दूसरे के प्रति कहीं ना कहीं हमारी रेस्पेक्ट समाप्त हो जाती है, उनके लिए एक्सेप्टेंस समाप्त हो जाती है। हम लोग रिएक्ट करते हैं, रेस्पॉन्स की जगह रिएक्ट करते हैं, उनकी बात को हम अंडरस्टैंड नहीं करते हुए उनकी बात को हम काटना चाहते हैं दोस्तों। तो रेस्पेक्ट के साथ अंडरस्टैंडिंग को लाना और अंडरस्टैंडिंग के साथ एम्पैथी को लाना, वो जो बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं, उसके पीछे क्या भावनाएं हैं जिसकी वजह से वो ये बात हमारे सामने रख रहे हैं, इन बातों को भी समझना और दूसरों के सामने रखना दोस्तों, ये एक सुंदर रिश्ते का फाउंडेशन होता है। एक्सेप्टेंस, अंडरस्टैंडिंग, रेस्पेक्ट एंड एम्पैथी, ये चार पिलर्स हैं हमारे सुंदर रिलेशंस के दोस्तों। दोस्तों साइंस भी आज ये प्रूव कर चुकी है कि जिस धन दौलत और हम मेटलिस्टिक ट्रेजर्स को, पोजीशन को हम लोग सदा अपने साथ चिपका कर रखना चाहते हैं दोस्तों, वो छोड़ जाती हैं, किसी की भी सगी नहीं होती। आज आपके हैं तो एक किराएदार की तरह, कल किसी और की दोस्तों हो जाती हैं। इसलिए जो सदा हमारे साथ रहते हैं वो हमारे सुंदर रिश्ते हैं, हमारा स्वयं अपना सेल्फ है। इसलिए स्वयं का ख्याल करना सीखिए दोस्तों। एक बारी रिवाइज कर लेते हैं क्या जरूरी है लाइफ में स्लो डाउन करना। डॉक्टर रॉबर्ट वॉल्डिंगर की इस द हैप्पीनेस स्टडी ने दिखाया कि गुड रिलेशंस इज द मोस्ट पावरफुल सिंगल फैक्टर, और उसके लिए आवश्यक है अपनी लाइफ को हमेशा प्रेजेंट में जीना। परफेक्शन जो है वो हमारी हैप्पीनेस का बैरियर है, इसलिए परफेक्ट लाइफ नहीं, एक सम्पचुअस, एक फुलफिलिंग लाइफ को लीड करिए, एक लाइफ जिसके अंदर आप एक्सीलेंस को अचीव कर रहे हैं दोस्तों, उसको लीड करिए। दोस्तों सेल्फ कंपैशन एंड केयर ये प्रायोरिटी है, अपने मन और अपना स्वयं का ख्याल रखना ये बहुत आवश्यक है। दोस्तों लाइफ को जितना सिंपल रखेंगे, अनकॉम्प्लिकेटेड रहेंगे, उतनी सक्सेस, उतनी खुशी हमें मिलती जाएगी। और अपने संबंधों के लिए जरूर समय दोस्तों जरूर निकालिए और इन सबको पैक कर दीजिए परमात्मा के लिए शुक्राना, सब के लिए शुक्राना की भावना से। तो दोस्तों ये है हमारी मैजिकल लाइफ, दिस इज द पावर ऑफ स्लोइंग डाउन, ये है हैप्पीनेस स्टडी। अगर हम जीवन में उड़ना चाहते हैं तो केवल इन पांच बातों को एक हफ्ते के लिए फॉलो करें और देखिए आपकी लाइफ मिराकुलस, आपकी लाइफ वंडरफुल होती चली जाएगी। तो दोस्तों यदि आपके मन में भी कुछ ऐसे प्रश्न, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, तो हमें लिख कर भेजिए।
इस 3T सीरीज के माध्यम से हम आपके सामने इनको लेकर उपस्थित होंगे। हमारा ईमेल है bkdrmohitgupta@gmail.com पर हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का, आपके ईमेल्स का, आपके एक्सपीरियंसेस का। शुक्रिया। ओम शांति।